हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर अभी फिलहाल के लिए कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10+2 सीईटी का जो पेपर है वो दे दिया है। लाखों की संख्या में विद्यार्थी हैं, 16,33,000 विद्यार्थी एग्जाम में फॉर्म लगाया था। तो यहाँ पर जो सीईटी वाले विद्यार्थी हैं, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए वैकेंसी नहीं है। तो आप लोग जो है सेंटर में, जो है सेंट्रल लेवल पर आपके 2-3 वैकेंसी आई हुई हैं जिनके फॉर्म चल रहे हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है और बहुत बड़ी भर्ती है, हजारों की संख्या में भर्तियों में पद है, जिसमें पहली भर्ती है आपके जीडीएस की भर्ती, ठीक है ना। जीडीएस में भी काफी संख्या में पद हैं, आप देख सकते हैं जीडीएस के अंदर यहां पर 40,889 पद हैं। तो ये आपके जीडीएस है, ग्रामीण डाक सेवक, जिसके अंदर डायरेक्ट भर्ती है आपकी। 10th के हिसाब से आपकी भर्ती होगी, आपकी जो 10वीं की परसेंटेज है उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो जिनकी परसेंटेज 10वीं में अच्छी है, 85% है, 90% है, तो वो विद्यार्थी फॉर्म जरूर लगाएं, एक अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का। तो जीडीएस की जो लास्ट डेट है फॉर्म की, वो आपके 16 तारीख है। अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म भर दीजिए, 16 तारीख इसकी लास्ट डेट है। राजस्थान में भी काफी अच्छे पद यहां पर निकले हुए हैं, अलग अलग सर्किल में अलग अलग पद हैं, तो बहुत बड़ी भर्ती है, पूरे भारत की सबसे बड़ी भर्ती। वर्तमान में 40,000 से अधिक पोस्ट इसके अंदर हैं, तो आप सभी को फॉर्म लगाने हैं। राजस्थान के वो विद्यार्थी जिनकी 10वीं में परसेंटेज अच्छी है, मतलब 80 है, 80 प्लस है, 90 है, तो आप लोग फॉर्म जरूर लगाएं, आपका नंबर आ जाएगा। और इसमें समय भी कमी देना पड़ता है, इसमें 2 पोस्ट होती है, एक बीपीएम होती है, एक आपका एबीपीएम होता है, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसका एक का जो बेसिक ग्रेड पे होता है वो आपका बेसिक पे होता है 10,000, एक का होता है 12,000। तो मैंने डिटेल वीडियो बनाए रखी है, आप लोग जाके देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो फॉर्म भर दो, बहुत कम समय बचा हुआ है, आज 12 फरवरी हो चुकी है, 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। सेकंड भर्ती जो बहुत बड़ी भर्ती है, एक एग्जाम से आपकी नौकरी पक्की हो सकती है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती है। कितने पदों पर निकली हुई है, तो 12,523 पदों पर आपके हवलदार और एमटीएस, जिसमें सर्वाधिक पोस्ट जो है 10,000-11,000 से प्लस जो पोस्ट है आपके एमटीएस के अंदर है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एसएससी डिपार्टमेंट इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। इस बार इसके सिलेबस में भी काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान के जिन्होंने सीईटी दिया है, तो भाई सीईटी वालों का जो यहां पर सिलेबस है वो क्या था? आपने मैथ पढ़ा है, आपने साइंस पढ़ा है, आपने इंडिया जीके पढ़ा है, आपने राजस्थान जीके पढ़ा है, आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ा है। तो इसमें जो आने वाला है वो आपके 5 सब्जेक्ट आने वाली है एमटीएस के अंदर। एक सब्जेक्ट आपकी मैथ आने वाली है, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट आपकी रीजनिंग आने वाली है, और ये दोनों सब्जेक्ट ही आपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में और सीईटी 10+2 लेवल में पढ़ी है, तो ये आपके तैयार है सिलेबस, ठीक है ना। तीसरे अगर हम बात करें यहां पर आपके सीईटी 10+2 में, तो और भी डिटेल में जो है सिलेबस था मैथ का, यहां पर ज्यादा डिटेल नहीं आएगी, ओनली अर्थमेटिक मैथ्स है, ओनली अर्थमेटिक है, ठीक है ना, और रीजनिंग में भी ज्यादा टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीके, इंडिया जीके इसके अंदर आएगी, तो आपको इंडिया जीके यहां पर पढ़ना होगा, साथ में आपको साइंस भी पढ़ना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने साइंस को भी अच्छे से पढ़ा है, आपने इंडिया जीके को भी पढ़ा है, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट था, ठीक है ना। तो यहां पर इंडिया जीके और साइंस भी आप लोग कवर कर सकते हैं। चौथी यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है आपके यहां पर इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 4 सब्जेक्ट ही है जो आने वाली है, मैथ है, रीजनिंग है आपके, इंडिया जीके है, और यहां पर इंग्लिश है। तो इंग्लिश भी आपने पढ़ी है, क्योंकि इंग्लिश के भी लगभग 12-13 टॉपिक थे आपके, पूरा ग्रामर था, वही ग्रामर इसके अंदर आने वाली है। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी भर्ती है, 12,523 पद है। इसकी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो कब है? तो भैया 17 फरवरी इसके फॉर्म की लास्ट डेट है। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है एमटीएस का, तो फॉर्म भर दीजिए, फीस भी नॉर्मली है, आप लोग जानते हैं। एसएससी की अगर हम बात करें तो एससी एसटी पीएस कैटेगरी की फीस लगती नहीं है, बाकी जनरल ओबीसी की आपके जो है 100 रुपीज फीस रहती है। तो इसका फॉर्म आप लोग जरूर लगाएं। और एक और भर्ती 10th पास पे निकली हुई है, आईबी की भर्ती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, जिसे हम खुफिया विभाग कहते हैं। इसमें भी जो है एमटीएस पद पर भर्ती निकली हुई है, 1675 पद हैं, और इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो भी आपके 17 फरवरी है। तो भैया 17 फरवरी वाले फॉर्म का 17 तारीख का इंतजार मत करो, आज ही फॉर्म भर दीजिए। सीटी वालों के लिए यह भर्ती बहुत ही शानदार है, राजस्थान में भर्ती आएंगी, आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई छोड़ दी नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वापस से आने वाली है, ये सब्जेक्ट आपको एलडीसी में पढ़ना है, ये सब्जेक्ट आपको बाकी कॉम्पिटिशन में पढ़ना है। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, रीजनिंग अच्छी हो जाएगी, इंडिया जीके अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तो काम ही आएगी, ठीक है ना। और हो सकता है यहां पर सिलेक्शन हो जाए, तो एक सिलेक्शन आप ले भी सकते हैं, सेंटर की जॉब है, सैलरी अच्छी होती है, स्थायी है, सब कुछ बढ़िया है। तो ये 3 फॉर्म निकले हुए हैं, एक तो आपकी 10th में परसेंटेज बढ़िया है, तो बिना किसी एग्जाम की नौकरी लग जाओ।
एक आपके यहाँ पर जो है आईबी के अंदर भी एमटीएस की भर्ती निकली हुई है और सबसे बड़ी भर्ती आपके एसएससी एमटीएस की निकली हुई है। तो दोनों के फॉर्म की जो डेट है इसकी आपकी 16 तारीख है, इसके आपके 17 तारीख है। तो आज ही फॉर्म लगा दीजिए और कमेंट करके बताइए किस किस ने फॉर्म लगा दिया है, और जो लगाना चाहता है वो भी कमेंट करके बता दो सर हम लगाना चाहते हैं। तो जो भी मुझसे क्लासेस हो सकती हैं, जो भी आपके लिए मैं कर सकता हूं एसएससी एमटीएस के लिए, वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो मैंने आपको सब्जेक्ट तो बता दिए कि मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंडिया जीके आएगी, इंग्लिश आएगी। मैथ की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि मैथ में ओनली जो है 20 सवाल आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के अंदर, ठीक है ना। और रीजनिंग की बात करें इसके अंदर भी 20 क्वेश्चन आएंगे। खास बात यह है आप 40 के 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा क्यों सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्या? नहीं होगी। इस वाले पोर्शन में, पार्ट फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरे के पूरे मैथ्स के सवाल कर सकते हो, रीजनिंग के सवाल कर सकते हो। अब आपका पार्ट बी जो है उसमें इंडिया जीके है और इंग्लिश है, तो आपके जीके के 25 क्वेश्चन है और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन है, और ज्यादा डिटेल भी नहीं है, जो करंट अफेयर नॉर्मल आपके जो जीके है वो आपसे पूछी जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ओनली क्वालिफाई रहेगा, सेकंड से आपकी मेरिट बनेगी और इसमें जो है 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का रहने वाला है, यानी आपको जो यहां पर टारगेट करना है वो इंडिया जीके और इंग्लिश को आपको टारगेट करना है। वैसे पढ़नी आपको मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, क्योंकि वो भी पास करना आपके जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान एग्जाम पैटर्न है इस बार एमटीएस का, और एक पेपर है, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आगे कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर आप ये पेपर पास कर लेते हैं। तो बहुत जल्दी इसका पेपर होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। एसएससी में सीजीएल के लिए जो है 3.5 लाख विद्यार्थी पास करें, प्री में एससी कैटेगरी में 70,000 विद्यार्थी पास करें हैं। इस बार बंपर भर्ती आ रही है एसएससी डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप लोग लुप्त उठा सकते हैं 2023 का, और इसमें फॉर्म लगा दो, फॉर्म भर दीजिए सभी लोग, बहुत बेहतरीन भर्ती है। बाकी जो भी गाइडेंस आपको चाहिए मैं आपको एक नंबर देता हूं, उस पर आप लोग कॉल, पर्सनली कॉल करके बात कर सकते हैं सर हम एमटीएस की तैयारी कैसे करें। जेन्युइन बच्चे ही कॉल करें जो तैयारी करना चाहते हैं, सच में मैं आपको बेहतर राय दूंगा, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से एकेडमी पर एसएससी कैटेगरी को मेंटोर कर रहा हूं और पढ़ा रहा हूं वहां पर जीके। तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन है कि कॉल करें, बात करें, तैयारी किससे करें, मैथ किससे पढ़नी है, इंग्लिश किससे पढ़नी है, बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकता हूं। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।